क्या नाम है जी? शमीम शेख कांधलवी। आप आए हो आज यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, किसको मिलने आए हो, क्या कारण है मुख्य जी? जी, एक पहले जो मुख्य कारण तो ये है कि जो दुनिया की शान प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नुपुर शर्मा और उसके साथ में एक आदमी और था जिसने बेदबी की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, जो कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। उनकी बेइज्जती किसी भी मुसलमान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं है। तो उसी के लिए हमने आज डीसी साहब को मांग पत्र दिया और एसएसपी साहब पटियाला को मांग पत्र दिया, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारा पटियाला का बड़ा सेंसिटिव एरिया है और हम नहीं चाहते कि कभी भी हमारी वजह से, मुस्लिमों की वजह से समाज हमारा बदनाम हो। हमें प्रशासन ने कहा कि आप आराम से काम करें, तो हमने उनके कहे के मुताबिक जो भी बनता था हमने किया। तो क्या मांग की रखी है आपने, मिले हो तो कौन मिला आपको वहाँ पे, आपको क्या विश्वास जी? तो एसएसपी साहब से मिलने गए, वहाँ नहीं मिले, तो एसएसपी साहब मिले, उनको हमने मांग को एसपी साहब मिले, उनको हमने मांग पत्र दिया, उनको कहा कि जो बनती हुई कार्रवाई है आप नुपुर शर्मा पे और जो नवीन जिंदल पे आप करें, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी खतरनाक तरीके से बेइज्जती की है कि वो ना बर्दाश्त है, और ना तो बर्दाश्त मुसलमानों ने कभी किया और ना कभी करेंगे। हमने उनसे मांग पत्र ये दे के बोला है, रिक्वेस्ट की है कि आप आने वाले टाइम में जो भी हो सकता है, जितने भी, यही नहीं जितने भी शरारती तत्व हैं उन पे सब पे नकेल पहना ही जाए, क्योंकि आज ये है कल को कोई है, तो हमारे दिलों को बुरी तरीके से इन्होंने घातक कह सकते हो ऐसे ज़ख्म दिए कि जो ना भरने वाले हैं। लेकिन जब तक इसको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर अभी तो हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हमारी सुनवाई होती तो हम बड़े लेवल पर भी जा सकते। पूरे पंजाब में आप जो मेमोरेंडम वगैरह दे रहे हो या फिर पटियाला में आपकी नहीं, हमारे जिनका हम बहुत ज़्यादा सत्कार करते हैं, शाही इमाम पंजाब लुधियाना, उनकी तरफ से आज कॉल दी गई थी कि जुमे के टाइम नमाज के बाद हर बंदा मस्जिदों से प्रोटेस्ट करेगा 15-20 मिनट और उसके खिलाफ जो भी बनती कार्रवाई है वो करने की कोशिश करेगा और बनता हुआ जो मुकदमा है वो दर्ज करवाएगा। तो उनके कहने के हुक्म के मुताबिक हमने जो हमारे से होता था हमने किया और प्रशासन को हमने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि आप बनती हुई कार्रवाई उस पर करें, क्योंकि वो हिंदुओं के नाम पे कलंक है, हिंदू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। हिंदू भाइयों से हमारा इतना ज़्यादा प्यार है, हमें कभी लगा ही नहीं कि वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हमारा सारा लेन देन उनका, हमारा लेन देन इतना ज़्यादा प्यार है कि, क्योंकि ये 1947 से पहले अगर आप नोट करते हैं, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सब ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी और आज भी इतना प्यार है कि घर आना जाना है, ईद पे वो हमारे घर आते हैं, हम दिवालियों पे उनके घर जाते हैं।